अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ ली थी, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में अज्यूम करें हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक। इस पॉपुलेशन में सबसे पहले हम ना स्ट्रेटा बनाते हैं, तो हमने यहाँ से तीन स्ट्रेटा बना लिए, ठीक है। यहाँ से हम एक स्ट्रेटा बनाते हैं, सिंगल वन, ओनली वन स्ट्रेटा, ठीक है। वन स्ट्रेटा में हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रेटा बना लिया, वो ये एक स्ट्रेटा बना लिया, ठीक। हमने पॉपुलेशन में से एक स्ट्रेटा बना लिया, ठीक। फिर हमने क्या किया, उस स्ट्रेटा में से हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटम बनाए, हमने एक ये स्ट्रेटम वन बना लिया, तो हमने स्ट्रेटम वन बना लिया जिसमें सारे ओल्ड लोग आ गए। फिर हमने एक स्ट्रेटम टू बनाया जिसमें वुमेन्स आ गई। फिर हमने एक स्ट्रेटम थ्री बनाया जिसमें यंग पीपल आ गए, तीन स्ट्रेटा हो गए। फिर हमने क्या किया, जो हमने ये जो स्ट्रेटम बनाए थे ना, इस हर एक स्ट्रेटम में से हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए हमने क्या क्या सैम्पल एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि यहाँ से हमने ज्यूम करें एक बंदा सिलेक्ट कर लिया, फिर स्ट्रेटम टू में से हमने एक बंदा सिलेक्ट कर लिया, फिर स्ट्रेटम थ्री में से हमने एक बंदा सिलेक्ट कर लिया, तो फिर एक दो तीन, इन तीनों को कंबाइन करके टोटल तीन का मेरे पास सैम्पल आ गया, तो ये मेरे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगी तीन लोगों की, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है। फिर हमने उसके प्रॉब्लम भी पढ़ लिए थे, हमने कहा था उससे हमारी कॉस्ट, स्ट्रेटम का कॉस्ट इंक्रीज़ होती है और हमारा कम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन जो है, जो सैम्पल को सिलेक्ट करना है वो थोड़ा सा जो हमारा मॉडल होता है कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक। अच्छा, आज जो हमने चीज़ स्टार्ट करनी थी यहाँ से वो ये थी कि एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, यानी कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की एडवांटेजेस क्या हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। कहता है डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इंटू डिस्टिंक्ट, हम सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, इंडिपेंडेंट स्ट्रेटा, हमारे पास इंडिपेंडेंट स्ट्रेटा आ जाता है, एक स्ट्रेटा आ जाता है। कैन इनेबल रिसर्चर टू ड्रॉ इन्फ्रेंस अबाउट स्पेसिफिक सब ग्रुप, हम क्या करते हैं, इन्फ्रेंस मीन हम डिसीजन दे सकते हैं स्पेसिफिक सब ग्रुप के ऊपर, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं ओल्ड के ऊपर डिसीजन दे सकता हूँ सेपरेटली, वुमेंस के ऊपर सेपरेटली डिसीजन दे सकता हूँ, यंग के ऊपर सेपरेटली डिसीजन दे सकता हूँ, इसका ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन कैन लीड टू मोर एफिशिएंट स्टैटिकल एस्टीमेट, ये मोर एफिशिएंट होता है क्योंकि देखें हम हर एक कैटेगरी में से कैटेगरी बनाते जा रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा सिलेक्शन के लिए। डाटा माइट बी मोर रेडिली अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल, डाटा रेडिली अवेलेबल होता है, देखें सारी पॉपुलेशन को इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है, उसमें से स्ट्रेटा बनाना, स्ट्रेटा को इकट्ठा करना, फिर स्ट्रेटा में से स्ट्रेटम बना लेना, तो देखें डाटा हमारे लिए पॉसिबल होता जा रहा है, easily available होता जा रहे हैं हमारे पास। Different sampling approaches can be applied to different strata, जब हमने strata बना लिया और strata से stratum बन गए, एक एक अलग अलग stratum बन गए, उसके बाद different sampling भी कर सकते हो आप वहाँ पर, simple random भी sampling कर सकते हो, या इसके अलावा कुछ और आप sampling करना चाहते हो, cluster sampling करना चाहते हो, उसमें से भी further वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये advantage है stratified के। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ये है कि हम वर्ल्ड वाइड जब सैम्पलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने कहा, हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो बीमार होने की रेशियो है पर्टिकुलर डिजीज से वो क्या है, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने पहले पूरे वर्ल्ड में से एक कंट्री सिलेक्ट की, वो कंट्री पाकिस्तान थी, ठीक है, ठीक। हम क्या करेंगे उस कंट्री की, फिर कोई एक स्टेट सिलेक्ट करेंगे, कोई भी स्टेट हो सकती है उसकी, ठीक है, पाकिस्तान में तो प्रोविंसेस है, स्टेट नहीं है, ठीक है, तो प्रोविंस सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उस स्टेट का, प्रोविंस का डिस्ट्रिक्ट सेट करेंगे, ठीक। जैसे कि WHO ने पूरी दुनिया में से पाकिस्तान सेलेक्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान में से किसको सेलेक्ट किया, पंजाब को, ठीक है, पंजाब में से क्या करेंगे, अज्यूम करें उन्होंने लाहौर को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, या कराची को सिलेक्ट कर लिया, उसमें से लाहौर में से भी वो किसी पर्टिकुलर विलेज नहीं, हम यहाँ पर टाउन ले लेते हैं, किसी टाउन को,
और इस टाउन के जो रिमेनिंग हाउस होल्ड रह जाएंगे क्या करेंगे, उसमें से वो क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। तो ये देखें पूरी स्टेज वाइज सैम्पलिंग आ रही है, तो इसको कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, तो जितने भी हाउस होल्ड होंगे हम वहाँ से, जितने भी घर होंगे उस टाउन में, हम उसमें से रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे, इसको कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। दिस टेक्निक इन्वॉल्व टेकिंग रैंडम सैंपल ऑफ प्रिसीडिंग रैंडम सैंपल, इट इज़ यूज इन नेशन वाइड सर्वे। अगर हम पूरी नेशन का सर्वे करना चाहते हैं टू कट डाउन ऑन ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग किए बगैर। ठीक है, द अप्रोच इन्वॉल्व डिवाइडिंग द कंट्री इंटू सीरीज ऑफ एरिया, हम एरिया में डिवाइड करते हैं, पिकिंग अ रैंडम सैंपल फ्रॉम दीज एरिया, हम उस एरियाज में रैंडम सैंपल पिक करते हैं, विद इन ईच ऑफ दीज पिकिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ टाउन्स, फिर टाउन्स में से फिर वहाँ से क्या करते हैं, लोगों का हम सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं आ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। फिर कहते हैं ऑल पीपल सिलेक्टेड एट द लास्ट स्टेज, आखिरी स्टेज में जो हाउस होल्ड होंगे, जो घर होंगे, उनमें से जितने भी लोग ऑल पीपल सिलेक्ट किए हमने, देन दे सर्वेड इंटरव्यूड, हम उन सारों का हमने जो इंटरव्यू किया, उनसे जो कुछ चीज़ पूछी हमने, जो हम पूछना चाह रहे थे बीमारी के बारे में, तो वो हमारा क्या होगा, सैंपल होगा मल्टी स्टेज। एडवांटेज क्या होता है, इट इज़ अनदर वे ऑफ सेविंग टाइम, इससे हमारा वक्त बच जाता है। देखें हम पूरे मुल्क का तो ना एनालिसिस नहीं कर सकते ना, हम पूरे मुल्क के लोगों का सर्वे भी नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है नहीं, एंड मनी, पैसों की बचत होती है। तो देखें हर हर जगह जहाँ ट्रैवलिंग कॉस्ट लगेगी, लिविंग कॉस्ट लगेगी, खाने की कॉस्ट लगेगी, तो पैसे ही बचते हैं। और नंबर ऑफ पीपल, टीम भी हमें बड़ी करनी पड़ेगी ताकि वास्ट एरिया को कवर कर पाए, तो इससे क्या होता है, वक्त बचता है हमारा, पैसे बचते हैं, बट स्टिल हैविंग एन एलिमेंट ऑफ रैंडम सिलेक्शन, लेकिन एंड पे आके हमें रैंडम सिलेक्शन ही करनी पड़ती है। इट इज़ वेरी यूजफुल व्हेन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, जब सारी पॉपुलेशन हमारे पे एग्जिस्ट नहीं करती तो हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग समझिएगा, देखें हमारे पास ये पॉपुलेशन, ठीक, ये पॉपुलेशन पूरी, मैं क्या करूँगा, इस पॉपुलेशन के क्लस्टर बनाऊँगा, इस पॉपुलेशन के क्लस्टर बनाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घरों में अंडर 5 ईयर एज वाले बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पॉपुलेशन क्या मेरी पूरी लाहौर है, तो मैंने पूरे लाहौर को क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा मैं लाहौर के 5 पीस कर लेता हूँ, एक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और एक सेंटर पॉइंट। तो मैंने क्या किया, क्लस्टर बना लिए। तो देखें ये क्लस्टर वन आ गया, इसमें 1, 2, 3 आ गई, ठीक है, टाउन्स आ गए, फैमिलीज कह लें, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4, क्लस्टर 5, क्लस्टर 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 क्लस्टर मैंने बना लिए। अब मैं 6 क्लस्टर जब मैंने बना लिए, तो मैंने कहा कि इन 6 क्लस्टर में से अब मैं क्या करूँगा, सैम्पल करूँगा, सैम्पलिंग करूँगा। तो इसमें से मैं अपनी मर्ज़ी का क्लस्टर पिक करूँगा जो मेरे जेन में होंगे, जो मुझे अच्छे लग रहे होंगे। तो देखें यहाँ से हमने क्लस्टर, देखिए क्लस्टर 1 था, यहाँ से हमने क्या किया, देखें क्लस्टर 1 था, तो यहाँ से हमने देखें ये क्लस्टर 1 पिक कर लिया, ये देखें क्लस्टर 1 पिक कर लिया सैम्पलिंग के तौर पर। फिर क्लस्टर 4 था ये वाला, तो देखें यहाँ से हमने क्लस्टर 4 पिक कर लिया सैम्पलिंग के लिए। तो 2 क्लस्टर आ गए, अब इन 2 क्लस्टर के ये मेरे पास सैम्पल आ गया, तो इसको कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अगर वो एग्जाम्पल दें, फॉर एग्जाम्पल मदर्स विद चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एज, यानी कि अगर हम 5 से कम ईयर के बच्चों को जाना चाहते हैं, तो देखें पूरे शहर में हम डोर टू डोर नहीं जा सकते, डोर टू डोर जाने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी, ठीक है, हमारा काफ़ी एक्सपेंस होगा। हम क्या कर लेंगे, पूरे लाहौर के क्लस्टर बना लेंगे और 2 क्लस्टर के ऊपर सैंपल कर लेंगे हम 2 एरियाज़ को। हमने कहा फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एक हमने इछरे का एरिया पकड़ लिया, एक हमने जोहोटन का एरिया पकड़ लिया, और वहाँ से हमने कोई गुलबर्ग का एरिया पकड़ लिया। ठीक है जी, तो हम इस तरह 4-5 एरिया पकड़ लेंगे और उन पर क्या करेंगे, सैम्पलिंग स्टार्ट करेंगे, उनके जो डिसीजन होगा वो सारा का सारा डिसीजन हम पॉपुलेशन पर दे देंगे। ठीक है नी, तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग होता है। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू मल्टी स्टेज, ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की तरह ही है। इंटरव्यू आर सेंट इन टू एरिया टू इंटरव्यू एवरी पर्सन, ये जो हमारे पास सैम्पल ग्रुप आया ना, अब यहाँ पर हम घर घर जाएंगे, हर एक बंदे से पूछेंगे, भाई घर घर जाएंगे तो पता चलेगा ना कि किस घर में बच्चे जो हैं अंडर 5 ईयर एज है।
वो फिट आ गिवन डेफिनेशन, जो गिवन डेफिनेशन में फिट आते हैं, ये क्लस्टर सैम्पलिंग होगी हमारे पास, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ इनकी डेफिनेशन ही आती है। कोटा सैम्पलिंग क्या है? ज़ूम करें, हमारे पास पॉपुलेशन है, हमने कोटा मुकर्रर करे, वो कोटा क्या था? हमने कहा था मेल अबव 50, अज्यूम करें हमने कोई पेंशन देनी है, हमने कहा कोटा में ये मेल अबव 50, जितने भी मेल हैं पूरी पॉपुलेशन में से जो 50 साल से अबव हो गए हम उनको ये पेंशन देंगे, ठीक है। तो हमने पूरी पॉपुलेशन से मेल इकट्ठे कर लिए, तो देखें ये पहला मेल हमने पिक कर लिया, वो कहाँ से किया? वो देखें ये वाला। फिर सेकेंड मेल जो है ये हमने कहाँ से पिक किया? वो देखें सेकेंड मेल ये हमारे पास पड़ा ये वाला, ये देखें यहाँ से पिक कर लिया सेकंड मेल। थर्ड मेल हमने ये पिक किया, तो थर्ड मेल कहाँ से पिक किया? यहाँ से पिक कर लिया। फिर फोर्थ मेल हमने पिक किया, वो कहाँ से पिक किया? जो 50 से अबव है वो ये वाला पिक किया, ठीक है। तो पूरी पॉपुलेशन में से मैंने कोटा निकाले, मैंने कहा मैं इन लोगों को सिलेक्ट करूँगा सैंपल के तौर पर, तो इसको कहते हैं कोटा सैंपलिंग, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह वैकेंसीज आती हैं, जॉब वैकेंसीज आती हैं, उसमें कुछ कोटा सिस्टम होता है कि हमने कहा इस प्रोविंस का इतना कोटा है, पंजाब से हम इतने स्टूडेंट लेंगे, ठीक है, और जिनका ए प्लस ग्रेड आया वो हम कोटा में शामिल कर लेंगे, ठीक है। और कोटा सैंपलिंग ना नॉर्मली ऑडिटर यूज़ करता है, ऑडिटर कोटा सैंपलिंग भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब इंशाल्लाह आपका कैफ क्लियर हो जाएगा और आप ऑडिट के लिए जाएंगे, तो ऑडिट में ना कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे नॉर्मली रिस्क होता है, कि ऐसे एरिया हैं जहाँ पे उम्मीद है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई गड़बड़ कर रही होती है, वो एरिया नॉर्मली सेल एरिया होते हैं और परचेज एरिया होता है, चीज़ों को बेचने वाला और ख़रीदने वाला, ठीक है। तो ये दो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कोई ना कोई रिस्क होता है, तो ऑडिटर कहते हैं सेल और परचेज एरिया को तो हमने हर हाल में चेक करना है। और अज्यूम करें टोटल अगर मैंने 50 का सैंपल लेना है, तो ऑडिटर क्या कहते हैं, भाई 10 का कोटा इन दोनों डिपार्टमेंट के लिए मुकर्रर कर दो, कि हमने कम से कम 10 का सैंपल इन दोनों डिपार्टमेंट से लेना ही लेना है हर हाल में। हाँ, बाकी जो हमारे पास 40 सैंपल बच जाएंगे वो हम रिमेनिंग एरियाज में सिंपल रैंडम सैंपलिंग कर लेंगे या स्ट्रेटिफाइड कर लेंगे, ठीक है। द पॉपुलेशन, अब ये कोटा है क्या? द पॉपुलेशन इज फर्स्ट सेगमेंटेड इंटू सब ग्रुप। हम पॉपुलेशन को सब ग्रुप में क्या करते हैं, सेगमेंट करते हैं, उसके हिस्से बनाते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के जरिए। जैसे कि मैंने पॉपुलेशन में से कुछ इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एन इंटरव्यूअर इज देन गिवन अ कोटा ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट टाइप टू इंटरव्यू। हम क्या करते हैं, वहाँ से इंटरव्यू के लिए मुख्तलिफ लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इंटरव्यू में बी टोल्ड टू सैम्पल ऑफ 20 फीमेल्स, उसने कहा 200 फीमेल्स का सैम्पल है, 300 मेल्स का सैंपल है, बिटवीन द एज ऑफ 40 एंड 60। उसने कहा जो 45 और 60 के दरमियान में है उसमें से 200 फीमेल सिलेक्ट कर लो और उसमें से 300 मेल सिलेक्ट कर लो। इसका मतलब ये कोटा सैंपलिंग होगी, ठीक। यहाँ पर हमारे पास सैंपलिंग की जो है वो डेफिनेशन जो है वो हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। अब एग्जामिनर यहाँ से ना आपसे सैंपलिंग के कुछ क्वेश्चन पूछता है, उस सैम्पलिंग के क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज का जानना ज़रूरी है। देखें इसको आप जानते हो, एक्स बार ये सैम्पल मीन होता है और सैम्पल को स्टैटिस्टिक कहते हैं। म्यू जो होता है, MEU, म्यू जो होता है ये पॉपुलेशन मीन को डिनोट करता है। ये वाली चीज़ आपके लिए नहीं है, आज आई है, ये सिंबल चेक करें, मीन पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन मीन और ये सैंपल मीन है ये पॉपुलेशन मीन का सबस्क्रिप्ट है, ठीक। तो अगर इस तरह का लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन दोनों इकट्ठे आ रहे हैं लेकिन सैंपल मीन सबस्क्रिप्ट में आ रहा है, तो ये जो मीन होगा, ये जो मीन होगा ये किसका होगा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, ठीक हो गया। कैपिटल एस आपको पता है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा जो है, सिग्मा आपको पता है ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और अगर सिग्मा पॉपुलेशन का और साथ एक्स बार का साइन नजर आए, इट्स मीन ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये किसका है, ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो याद रखिएगा ये वाला साइन सैंपलिंग का स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, कैपिटल एस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बात याद रखना। फिर वेरियंस आपको पता है एस स्क्वायर, कैपिटल एस स्क्वायर वेरियंस होता है, सिग्मा स्क्वायर
पॉपुलेशन का वेरियंस होता है, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार ये किसका वेरियंस होता है, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस होता है जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी। हमने सैम्पलिंग पढ़ ली, अब मैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। तो तीन सिंबल याद रख लें जो नए हैं। ये कौन है? ये मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्स बार क्या है ये देखें, ये मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और सिग्मा एक्स बार क्या है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये वेरियंस एक्स बार क्या है? ये वेरियंस है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अपने याद रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। फिर एक और डेफिनेशन एग्जामिनर यहाँ से पूछता है कि सैम्पलिंग एरर क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है। सैम्पलिंग एरर क्या है? नंबर वन, सैम्पलिंग एरर ये होता है कि देखें, अज्यूम करें हमारे पास 5000 पॉपुलेशन है, 5000 में से हमने सिर्फ 500 का सैंपल लिया, तो जो एक्स बार आया मान लें वो 10.5 आया, और ये था 500 का सैंपल, और मीन था यानी कि 5000 कैपिटल एन था, सैंपल 500 का लिया, और जो मीन आया वो हमारे पास आया 15.2। अब देखें सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन देखें क्या इक्वल हैं, क्या 10.5 इक्वल है 15.2 के? नेवर इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि हमने ये जो 10.5 आया ये 500 में से आया, और ये 15.2 तो ट्रू था क्योंकि पूरी पॉपुलेशन 5000 में से आया। तो देखें याद रखिएगा, कभी भी सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल नहीं होगा, कभी भी, नेवर एवर इक्वल होगा, कभी भी इक्वल नहीं होता, ठीक है। सवाल एक जगह पर मैं खुद बताऊंगा आपको, सैंपल मीन नेवर इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ये इक्वल नहीं होते, और इनके ना इक्वल होने को क्या कहते हैं? सैम्पलिंग एरर। यानी कि एरर आया, एरर मीन डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन, के पॉपुलेशन मीन से हम कितना दूर हैं, ये एरर होगा, ठीक है। एरर क्या है? एरर क्या है कि एक्स बार और पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस, या इसको इस तरह कर लें, एरर म्यू माइनस एक्स बार के मीन और सैंपल मीन के दरमियान जो डिफरेंस है वो एरर होगा, ठीक है जी। अगर हम ये जो एरर सैम्पलिंग एरर आ गया, अगर हम अपना सैंपल साइज बढ़ा दें ये एरर कम हो जाएगा, अगर हम अपना सैंपल साइज इंक्रीज कर दें तो जो एरर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। 500 मैं 1000 करूँगा तो मेरा आंसर 10.5 से 11 के करीब आ जाएगा, 1000 से 2000 करूँगा मैं 11.5 पर आ जाऊँगा, जितना सैंपल बढ़ाता रहूँगा एरर कम होता रहेगा, ठीक हो गया। सैम्पलिंग एरर क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक कहते हैं सैम्पल मीन, पैरामीटर कहते हैं पॉपुलेशन, कहता है जो डिफरेंस आ रहा है पॉपुलेशन और सैम्पल में वो क्या है? सैम्पलिंग एरर है, ठीक है। फिर वो कहता है सैम्पलिंग एरर अराइज, सैम्पलिंग एरर अराइज होता है ड्यू टू चेंज एंड कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीज सैम्पल साइज। अगर मैं सैम्पल साइज इंक्रीज करूँ तो मेरा जो एरर है वो डिक्रीज हो जाता है, सैंपल साइज इंक्रीज एरर डिक्रीज, बात याद रखिएगा, क्लियर हो गया। फिर हमारे पास होता है नॉन सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर क्या होता है? नॉन सैंपलिंग एरर हमारी केयरलेसनेस की वजह से आ रहा होता है, जो हमने गलती की, हमने डाटा सही सिलेक्ट नहीं किया, हमने फार्मूला सही नहीं लगाया, हमने सैंपल से सिलेक्ट नहीं किया, जो हमारी गलती होगी वो उससे जो एरर आएगा नॉन सैम्पलिंग, यानी कि ये ऐसा एरर है जो सैम्पलिंग की वजह से नहीं आया, हमारी गलती की वजह से आया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सैम्पलिंग एरर देर आर सम एरर विच आर एट्रीब्यूटेड ड्यू टू नेग्लिजेंस, ड्यू टू नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस, जो नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस की वजह से आता है उसको नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग पर आ जाओ, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग दो तरह की होगी हमारे पास, ठीक, एक विद रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट, दो तरह के। विद रिप्लेसमेंट फार्मूला कहता है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, यानी कि पॉपुलेशन सैंपल साइज की पावर, सॉरी
पॉपुलेशन साइज की पावर सैंपल साइज, और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होगा कि कैपिटल एन कम्बिनेशन स्मॉल एन, ठीक है जी। अच्छा दूसरी बात जो याद रखने वाली है, सैम्पलिंग में जो अगर हमने सैम्पलिंग करनी है, एग्जामिनर बताएगा कि विद रिप्लेसमेंट से करनी है या विदाउट रिप्लेसमेंट से करनी है। अगर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से करेंगे तो याद रखिएगा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये मीन और ये जो है ये मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमेशा इक्वल होगा पॉपुलेशन मीन के, यानी कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है पॉपुलेशन मीन के। हाँ ये तो निकल होते हैं, लेकिन ये याद रखना कि कभी भी सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन इक्वल नहीं होते, ये बात याद रखना, ये इक्वल नहीं होंगे, इसलिए तो इसको सैंपल एरर कहते हैं, इसलिए तो इसको सैंपल एरर कहते हैं। हाँ ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर मैंने मीन कैलकुलेट करना है किसका, अगर एग्जामिनर मुझे कह देता है कि भाई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट कर दो, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट ना करना, चुपचाप पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि जो पॉपुलेशन का मीन है वही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। विदाउट रिप्लेसमेंट भी सेम फार्मूला, जो पॉपुलेशन का मीन है वही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, सेम फार्मूला, इसका कोई फर्क नहीं है। वेरियंस, वेरियंस का फार्मूला होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, और विदाउट रिप्लेसमेंट में फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन फिर कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस वन। स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर विद रिप्लेसमेंट के साथ आए तो उसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। स्टैंडर्ड एरर जो है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन विद रिप्लेसमेंट के साथ आए उसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एन, और यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एन, ये तो सेम आ गया, आगे आ गया स्केयर रूट ऑफ, देखें या सिंपल वेरियंस का स्केयर रूट ले लें ऐसे करके, तो देखें स्टैंडर्ड एरर ये देखिए ये बन जाता है, ये बन जाता है, ठीक है। तो स्केयर रूट ऑफ कैपिटल एन माइनस एन उसके बाद डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस वन, देखें ये है, ये जो नया आ रहा है ना यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट, ऐसे ये देखें सिर्फ विदाउट रिप्लेसमेंट में ऐसा आएगा, विद रिप्लेसमेंट में नहीं था। ये जो कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, इसको कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, एफपीसी कहते हैं। तो एफपीसी स्टैंड फॉर फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, इसको फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन कहते हैं। तो ये फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं, बहुत जरूरी हैं सैम्पलिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसने कहा अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ फोर वैल्यूज, चार वैल्यूज की पॉपुलेशन है, 2, 4, 6, 10 ये पॉपुलेशन है पूरी। टेक सैंपल ऑफ साइज 2, हमने स्मॉल एन 2 का सैंपल ले लिया, हमने 2 का सैंपल ले लिया, कहता मुझे पॉपुलेशन मीन फाइंड करके दो। पॉपुलेशन मीन हमें पता, पॉपुलेशन मीन तो हमारे पास म्यू होता है, अगर पॉपुलेशन मीन आपके पास म्यू है, कहता है इसको फाइंड कर दो। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मीन ले लेंगे। तो मीन देखें कैसे लेते हैं, अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन, तो सबको जमा करो, 2 + 4 + 6 + 10 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, तो देखिए मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर वो कहता है कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कहता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी फाइंड करो। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा कि जो देखें मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमने कहा जो हमारा पॉपुलेशन मीन, यानी ये वाला जो हमारा पॉपुलेशन मीन होगा वही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन होगा। तो देखें कि हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है, वो चेक करते हैं, ठीक है, उसके लिए ज़रा देखिएगा। उसके लिए देखिएगा
कैसे? तो कैलकुलेटर से भी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं या मैनुअल कैलकुलेट कर लें, ठीक है जी। सो 6 + 4 = 10, 10 + 10 = 20 + 2 = 22। तो 22 / 4 किया, हमारे पास आ गया आंसर 5.5। तो आंसर आ गया 5.5। तो 5.5 क्या आ गया हमारा पॉपुलेशन मीन। तो हमने कहा अब सेकंड में हमने मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने कहा जो पॉपुलेशन मीन होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी वही होगा, यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या आ गया मेरे पास 5.5 आ गया। तो देखें दो कैलकुलेट हो गए। इस तरह का एक छोटा सा एग्जामिनर आपको न्यूमेरिकल देगा। फिर वो कह रहा कि पॉपुलेशन का वेरियंस कैलकुलेट करो। हमने कहा बड़ा आसान, ये जो सारी वैल्यूज हैं इसको आप कैलकुलेटर में लिखें और वेरियंस फाइंड कर लें। तो चलें शाबाश फाइंड करें, मैं भी कैलकुलेट करूं अभी करें। 2, 4, 6 और 10, ठीक है जी। तो पॉपुलेशन वेरियंस आ गया हमारे पास 4, 3। पॉपुलेशन वेरियंस नहीं आएगा, सबसे पहले आपको पता है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ना आपके पास, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले मैं फिफ्थ वाला कैलकुलेट करता हूँ। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटर से फाइंड किया तो 2.96 आ गया, 2.96 आ गया, ठीक है। तो 2.96 का स्केयर कर लें तो आंसर आ गया 8.76। तो पॉपुलेशन वेरियंस क्या आ गया? पॉपुलेशन वेरियंस आपको पता ही होता है 8.76। तो देखिए आंसर आ गया, क्लियर। और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 2.96। ये दोनों मैंने कैलकुलेटर से लिखे। कैलकुलेटर में क्या किया, 2, 4, 6, 10 को कैलकुलेटर में लिखा, और कैलकुलेटर ने सबसे पहले मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन 2.96 किया, तो 2.96 का मैंने स्केयर किया तो 8.76 आया, जिस तरह हम चैप्टर 12 में ये कैलकुलेशन करते थे, सेम वैसे कैलकुलेशन है, ठीक हो गया। फिर वो कह रहा है कि मुझे वेरियंस कैलकुलेट करके दो, वेरियंस कैलकुलेट करके दो विद रिप्लेसमेंट के साथ और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। पहले विद रिप्लेसमेंट के साथ, फिर विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। हमने कहा वेरियंस जो है वो विद रिप्लेसमेंट के साथ फॉर्मूला क्या होता है वेरियंस का? हमने कहा वेरियंस इज इक्वल टू, ठीक है, ये वेरियंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, उसने कहा वेरियंस ऑफ सैम्पलिंग, तो ये वेरियंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिंबल हो गया फॉर्मूला वेरियंस डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो फॉर्मूला देखें, वेरियंस क्या विद रिप्लेसमेंट के साथ, वेरियंस सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो हमने कर दिया सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर देखें, 8.76। तो 8.76 डिवाइडेड बाय हमने करना है एन, तो एन कितना है हमारे पास 2। ये देखें एन 2 है हमारे पास, ये देखें एन 2 है हमारे पास, तो एन आ गया यहाँ पर 2। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 4.38। तो 4.38 आंसर आ गया हमारे पास वेरियंस विद रिप्लेसमेंट के साथ। अब देखते हैं कि वेरियंस जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ हमारे पास क्या होता है। तो वेरियंस विदाउट रिप्लेसमेंट, तो देखें ये वाला हिस्सा तो वैसे ही आ जाएगा वेरियंस अवर एन, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस वन। तो देखें ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ये देखें कैपिटल एन, बस स्क्वायर रूट यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है जी। चलिए तो वेरियंस डिवाइडेड बाय एन क्या है मेरे पास, तो वेरियंस कितना मेरे पास, व्हाट इज वेरियंस, वेरियंस है 8.76। तो आ गया 8.76, एन कितने 2 मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन का एन कितना है? तो पॉपुलेशन एन 4 है, 1, 2, 3, 4 है, तो 4 - 2 यहाँ से 4 - 1। तो यहाँ से देखिए आंसर क्या आता है मेरे पास, आंसर आ गया 2.92। तो देखें ये 2.92 मेरे पास आ गया, ठीक है। तो देखें इस तरह से आपने सिंपल सारी कैलकुलेशन कर लेनी, इतनी आसान आसान कैलकुलेशन है। फिर वो कह रहा है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 2.96 कैलकुलेट कर सका, कैसे कैलकुलेट किया, 2, 4, 6, 10 को कैलकुलेटर में लिखा और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटर वाला आ गया। फिर कहता है स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे डेविएशन मिस हो गया, कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखें उसने जब भी पूछा ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो अब हमने ये नहीं, हमने कहा तुमने बताया नहीं कि विद रिप्लेसमेंट के साथ या विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। तो नॉर्मली यहाँ पर ना हम इस केस में हम हमेशा स्टैंडर्ड एरर का, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमेशा विद रिप्लेसमेंट के साथ कैलकुलेट किया जाता है।
हमने पूरे स्टेट में अजम्पशन ये ली होती है एग्जामिनर साइलेंट है तो विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। सैम्पलिंग करते हुए हम विदाउट रिप्लेसमेंट ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल केस है स्टैंडर्ड एरर का। जब भी वो कहेगा स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करो, नहीं बता रहा, तो विद रिप्लेसमेंट के साथ मैं करता हूँ। तो फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट टेन। सिग्मा कितना? 2.96। अंडर रूट टेन मीन अंडर रूट टू, आंसर आ गया 2.96 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू, तो आंसर आ गया 2.09। देखें ये 2.09 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरह सॉल्व करते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रख लें, सिंपल मीन। देखें अब मैं आपको दिखा समझाता हूँ कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम करते कैसे हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे हैं। देखें हमने तो प्रॉपर्टी पढ़ी ना, प्रॉपर्टी क्या थी, हमने कहा जो पॉपुलेशन का मीन है वही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, और आंसर क्या है 5.5। इस 5.5 के आंसर को याद रख लें, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ज़रा सा आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे हैं, ये बनती कैसे, अब मैं आपको ये सिखाता हूँ, ठीक है, क्लियर, सब कुछ हुआ। बस 5.5 के आंसर को ये ज़रा याद रख लें, 5.5 के आंसर को याद रख लें। तो हमारा आंसर क्या आया था पॉपुलेशन मीन का 5.5, इसको याद रख लें। अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ ना ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी प्रूफ करवानी है कि वाई मीन ऑफ सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ये इक्वल क्यों होता है, कैसे होता है, सिर्फ ये सिखानी। तो इसको सिखाने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है जी, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। देखें हमारे पास पॉपुलेशन ये है 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 10, ठीक है जी। जब मैं 2, 4, 6, 10 और जब मैं इसकी सैम्पलिंग करूँगा तो सैम्पलिंग इसकी होगी, जब मैंने इसकी सैम्पलिंग करनी है तो देखें यहाँ पर आएँ, इसको भी ज़रा इरेज करते हैं, ठीक है। अब मुझे सैम्पलिंग करनी है, जब मैं सैम्पलिंग करूँगा, आपको पता है कि जब क्वेश्चन साइलेंट होता है हम विदाउट रिप्लेसमेंट यूज़ करते हैं, तो सैम्पलिंग करते हुए विदाउट रिप्लेसमेंट यूज़ करूँगा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एन सी स्मॉल एन, ठीक है, अभी भी ऐसे करूँगा कैपिटल एन सी स्मॉल एन। कैपिटल एन कितना, 1, 2, 3, 4, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू 4 है, तो 4c, स्मॉल एन कितना है 2, तो 4c 2, आंसर आ गया 6। यानी कि 2, 4, 6, 10 के 6 सैंपल बनने हैं। वो कैसे, ये देखिएगा, सबसे पहले कहता है सैंपल साइज 2, दो दो के सैंपल लेने हैं, तो पहला बन गया 2, 4, फिर अगला 2, 4 के बाद 2, 6 बन गया, उसके बाद 2, 10 बन गया, ये 3 बन गए। आपको पता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि रेपिटेशन अलाउ नहीं है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है। फिर और कौन से बन सकते हैं, 4, 6, 4, 10, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद कौन सा रह गया हमारे पास, 6 और 10, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी और बना लें, रेपिटेशन शुरू हो जाएगी, बस ये 6 बने, 6 का था 6 सैंपल बनने, देखे 6 बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सैंपल बन गए। इसके अलावा कोई भी आप सैंपल बना लें, होगा क्या, उनकी रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। अज्यूम करें कोई ले लें 6, 4 करें, तो 6, 4 देखें मैं पढ़ा हुआ, ये देखें 6 और 4 पढ़ा हुआ, कोई भी देखें रेपिटेशन अलाउ हो जाएगी। आपने क्या करना है, ये जो सैंपल आ गए ना आपके पास, अब ये सारी कहलाती है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मैं करने जा रहा हूँ इस सब का नाम है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको ज़रा, ताकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से आप फेमिलियर हो जाएं। आप क्या करना है, 2 और 4 है, इनका एवरेज ले लें, तो 2 + 4, 6, 6 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 3, 6 + 2, 8, 8 डिवाइड बाई 2, 4, 10 + 2, 12, 12 डिवाइड बाई 2, 6, 5, 14 डिवाइड बाई 2, 7, 16 डिवाइड बाई 2, 8, तो ये मेरे पास आ गया 3, 4, 6, 5, 7, 8 आ गया। ये जो एवरेज आया है ना, अब आपने क्या करना है, इस एवरेज का
ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गई 3, 4, 6, 5, 7, 8। आपने इनका अब मीन लेना है, ये मीन आएगा। अब जो ये जो इनका मीन आएगा वो ये वाला आएगा। देखें सबसे पहले मैंने क्या की, ये जो 3, 4, 6, 5, 7 है ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, मेरी सैंपल बन चुके। अब मैं क्या करूंगा इस, अब देखें फॉर्मूला क्या है कि मीन लेना है किसका, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, अब मुझे इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन लेना। तो कैसे करेंगे, इन सबको जमा करो, इन सबको जमा करो और एन पे डिवाइड कर दो, सिंपल जिस तरह हम मीन लेते हैं। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मीन भी ऐसे होगा समीशन एक्स ओवर एन। तो समीशन एक्स कितना है चेक करें, 3 + 4 + 6 + 5 + 7 + 8 33। समीशन एक्स आ गया 33 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइड बाय 6 कर दो, आंसर इज डिवाइड बाय 6 आंसर इज 5.5। तो ये देखें 5.5 याद आया आपको, ये देखें ये 5.5। तो देखें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या आया 5.5, और देखें पॉपुलेशन मीन का, पॉपुलेशन मीन क्या आया वो भी 5.5। तो हमने तो पहले ही कहा था कि जो पॉपुलेशन मीन होता है वही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है। तो देखें चुपचाप पॉपुलेशन का मीन फाइंड कर लो, वो नहायत आसान है, तो आप इस सारे लंबे प्रोसीजर से बच जाते हो, अल्टीमेटली आंसर वही आना है जो पॉपुलेशन मीन करना है, इसलिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन अब ये वाले आते हैं इस तरह के। कहता है इफ यू टेक सैंपल फ्रॉम इनफिनिट पॉपुलेशन, हमने इनफिनिट पॉपुलेशन में से सैंपल लिया, व्हाट विल हैपन टू द स्टैंडर्ड एरर। कहता है स्टैंडर्ड एरर के साथ क्या होगा अगर मैं सैंपल साइज बढ़ा दूं, अगर मैं सैंपल साइज बढ़ा दूं। ठीक है, तो सैंपल साइज उसने 60 से बढ़ाकर 240 पे कर दिया। उसने कहा बताओ कि सैंपल साइज 60 से 240 पे चले गया, बताओ स्टैंडर्ड एरर पर क्या फर्क पड़ेगा, स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सबसे पहली बात लॉजिकली सोचें, 60 से 240 पर चलेगा सैंपल, पहले सैंपल मैंने 60 का लिया, अब सैंपल बढ़ा दिया 240 का सैंपल लिया। जब मैं सैंपल बढ़ाऊंगा मुझे खुद बताएं स्टैंडर्ड एरर, एरर कम होगा और ज्यादा हो जाएगा, शाबाश बताएं। ऑब्वियस बात है जब मैंने सैंपल साइज बढ़ाया तो मेरा स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड एरर ने डिक्रीज होना है, कितना डिक्रीज होना है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला सिग्मा ओवर अंडर रूट एन होता है, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन तो गिवन नहीं है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अज्यूम करते हैं, तो सिग्मा की जगह मैं 1 लूंगा। अब इस सबको करने का तरीका क्या होता है, अब वो तरीका सुनिएगा, सॉल्व करने का तरीका ये है, आपने स्टार्ट लेना है इन दोनों का डिफरेंस लेना, इन दोनों का डिफरेंस लेना। ठीक है, तो आप ले लें 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये देखें ये तो n है ना, n कितना 60, तो सिग्मा वर अंडर रूट n, सिग्मा 1 ले लिया, डिफरेंस लेना है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 240, फिर इसको डिवाइड कर दो जहां से सैंपल स्टार्ट हुआ, सैंपल कहां स्टार्ट हो रहा 60 से, तो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 60। आपके पास आंसर माइनस में आ रहा होगा लेकिन आपने माइनस को बॉदर नहीं करना क्योंकि आपने इन, हमने इन दोनों, हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर प्लस में आए तो 240 को पहले रख लो, आप 240 को पहले रख लो, कोई मसला नहीं है आपको। ठीक है नहीं, तो आपने सिर्फ माइनस साइन को इग्नोर करना है, आपने इन सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.5, उसको 100 से मल्टीप 0.5 उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो आंसर आ जाएगा 50%। इट्स मीन 50% से स्टैंडर्ड एरर हमारा डिक्रीज हो जाएगा जब हम अपना सैंपल इंक्रीज करेंगे, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहता सैंपल साइज डिक्रीज, कहता सैंपल साइज अब डिक्रीज हो गया, बताओ स्टैंडर्ड एरर पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने कहा स्टैंडर्ड सैंपल क्या था 75, नया वाला क्या है 40, 75 से 40 पर आ गया, सैंपल कम किया, जब सैंपल कम लेंगे बताओ एरर कम होगा या ज्यादा होगा। आप कहेंगे सर एरर ज्यादा होगा यानी कि एरर इंक्रीज, तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि एरर ने तो इंक्रीज होना है, पर कितने से होना है इसके लिए फॉर्मूला लगा लें। सेवन स्टार्ट कहाँ से लेना 75, तो देखें 1/√75 डिफरेंस 1/√40 डिवाइड बाय जहां से स्टार्ट लिया होगा तो 1/√75। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो आंसर आ जाएगा 36.93%।
ये आंसर हमारे पास आ चुका है सर। इस तरह से आपने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। तो आपने इनको देखना है अच्छे तरीके से, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पर माइनस को इग्नोर करना है आपने, क्योंकि मैं क्यों इस तरह कर रहा हूँ, आपकी आसानी के लिए। देखें, रूल मैंने ये बनाया, जहाँ से स्टार्ट लिया उसी को ही डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। जब भी हमने इंक्रीज और डिक्रीज निकालना होता है तो हम हमेशा डिफरेंस लेते हैं और डिवाइड करते हैं ओरिजिनल से। जैसे कि मैंने आपको चेंज कैलकुलेट करना सिखाया, शायद इन्फ्लेशन में आपने चेंज कैलकुलेट करना ना सीखा हो। तो जब भी हम इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करते हैं, हम हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का डिफरेंस लेते हैं और डिवाइड उससे करते हैं जहां से हमने स्टार्ट लिया होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग डिवाइड बाय एंडिंग, स्टार्टिंग माइनस एंडिंग डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग, मतलब इस तरह कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, माइनस आ रहा है, तो आप क्या करो, एंडिंग को पहले रख लो। तो 1/√40 माइनस 1/√75। अब यहां से कंफ्यूज हो गए, अब 1/√40 को यहां पे रखने की कोशिश करो, वो गलत हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ, 75 से, तो डिनोमिनेटर में हमेशा स्टार्टिंग में आएगा। अब आंसर आपका डायरेक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ये आसान है, जरा जैसे उसने लिखा हुआ आप वैसे लिखें, 75/40 डिवाइड बाय स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन की तरह करवा दूँ मैं, इनको अच्छी तरह देख रहे हैं आप, यहाँ से एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको ज़रा, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं था, अज्यूम करें उसने कहा कि एक सैम्पल साइज एन है 75 और जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है अज्यूम करें वो 2 है, और एक सैम्पल साइज 40 है और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3 है। अब स्टैंडर्ड एरर बताओ, अब तो मेरे पास प्रॉपर फार्मूला आ गया ना, सिग्मा वर अंडर रूट एन। अब स्टैंडर्ड एरर के लिए मेरा वह फार्मूला था सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एन। अब देखें, सिग्मा भी अंडर रूट एन भी है, अब फार्मूला क्या होगा, 2/√75 माइनस 3/√40 डिवाइड बाय स्टार्टिंग पॉइंट क्या, 2/√75। तो यहां से देखिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर शाबाश कैलकुलेट करें, मैं भी कर रहा हूं। माइनस के साइन को इग्नोर करना है आपको पता है, क्योंकि हमने सिर्फ डिफरेंस लेना होता है। तो आंसर आ गया मेरे पास -10.54। तो माइनस नहीं लिखूंगा, जस्ट 10.54 लिखूंगा। तो आंसर आ गया मेरे पास 10.54%। तो हमने कहा सैंपल इतना तो हमने डिक्रीज किया, स्टैंडर्ड एरर 10.54% से इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखें, अब की बार उसने हमें एन भी दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया, एन भी दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना करे तो सिग्मा आपने क्या अज्यूम करना है, इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर जो अपना 17 है, चैप्टर 17 जो है उसका सेकेंड पार्ट इंशाल्लाह एस्टीमेशन पढ़ेंगे, कि एस्टीमेशन क्या चीज़ होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।